बैटल ग्राउंड में रूसी सेना पर कहां कहर बनकर टूटे यूक्रेनियन एयरबोर्न ब्रिगेड के जवान। रूस के ड्रोन अटैक से अब यूक्रेन में कहां मची हाहाकार और यूक्रेन पर रातों रात रूस ने कितनी मिसाइलें दागी हैं। जंग के मैदान की हर खबर देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9 में। बैटल ग्राउंड में कई मोर्चों पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेनियन एयरबोर्न ब्रिगेड के जवान रूसी अटैक का जवाब देते दिखाई दिए। तस्वीरों में यूक्रेनी जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते और T-80 BV-MBT से गोले बरसाते नजर आ रहे हैं, तो रूसी फौज मजबूरी में पीछे हट रही है। मैदान जंग में रूस को मिले ईरानी ड्रोन कहर मचा रहे हैं। रशियन मीडिया ने यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। खेरसोन ओब्लास्ट के बेजिमेन में यूक्रेनी सैनिकों को रूस चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। यहाँ यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा है। वॉर जोन से रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फौज के BTR-4 से ताबड़तोड़ गोले बरसाने का ड्रोन फुटेज सामने आया है। यूक्रेन ने रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की ओर से जारी एक और वीडियो में रूसी IFV को यूक्रेनी रूट माइन से तबाह होते दिखाया गया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेच कर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन की गोलाबारी जारी है। शेबेकिनो शहर में यूक्रेन की ओर से किए गए ताजा हमले में 2 लोगों के मारे जाने की जबकि 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन पर कुर्स के सीमावर्ती क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने का आरोप है। भीषण जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने रातों रात यूक्रेन पर 36 मिसाइलें दागी, हालांकि अधिकांश को हवा में तबाह करने का दावा है। यूक्रेन का रूस पर ऊर्जा आपूर्ति ठिकानों और नागरिकों को टारगेट करने का आरोप है। खेरसोन के चारिवने और चाकलोव को रूसी सेना की कब्जे से वापस लेने का दावा किया। जनरल स्टाफ के मुताबिक रूसी आर्मी के यहां से जाने की वजह न सिर्फ उनका जोरदार पलटवार है बल्कि रूसी सेना स्थानीय विरोध और लूटपाट की घटनाओं से भी तंग हो चुकी थी। लुहान से डोनेस तक रूस और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण जंग जारी है। डोनेस में यूक्रेनी सेना ने रूस के नए 2S-19 MSTAS आर्टिलरी सिस्टम पर कब्जे का दावा किया। वहीं रूस के स्लाविक ब्रिगेड ने यूक्रेन के कई हमलों को नाकाम किया। आर्टिलरी से दनादन गोले दागने का वीडियो सामने आया है। रूस के संभावित हमले के अलर्ट सायरन से लवीव समेत कई शहरों में दहशत का आलम है। स्थानीय लोग सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में शरण लेने को मजबूर हैं। रिवने में यूक्रेनी सोल्जर्स वायलिन बजाकर लोगों का हौसला बढ़ाते दिखे। भीषण जंग के बीच यूक्रेन में रूस समर्थित राजनीतिक पार्टियों पर एक्शन तेज है। 12 ऐसी पार्टियों को बैन किया गया है। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी ने प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट का रुख किया लेकिन राहत नहीं मिली। रूस से मुक्त कराए क्षेत्रों में भी पुतिन समर्थकों पर कार्रवाई जारी है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेच कर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।